सर एक और ये कि मतलब विराट और बाबर का बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है, तो मतलब पर्सनली मुझे तो अनफेयर लगता है क्योंकि बाबर ने ऑलमोस्ट 6 से 7 साल बाद उन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद से कंसिस्टेंटली वो खेल रहे हैं, पर कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये तो मतलब हर न्यूज हेडलाइन का ये टॉपिक होता है जब भी वो दोनों कोई अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। तो आप उसको कैसे देखते हो कि कंपैरिजन होना चाहिए या फिर ठीक है सही है, क्योंकि मतलब एक तरह से अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो प्लेयर्स को इम्प्रूवमेंट में भी मदद करता है, क्योंकि बाबर कई बार बोल चुके हैं कि मेरा आइडल है विराट कोहली जिस तरह से वो खेलते हैं और उनकी कवर ड्राइव का बड़ा कंपैरिजन होता है और जिस तरीके से हैं, तो दोनों ही टैलेंटेड हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से कंपैरिजन होता है तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये ठीक है कि होना चाहिए या फिर अनड्यू है, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, क्योंकि दोनों ही जो है वो अलग तरीके के हैं, उसने अभी 5 से 6 साल खेले हैं बाबर ने और विराट का ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, नहीं, तो आप कैसे देखते हैं? इससे सिंपल थिंग कंपेरिज जो होना चाहिए वो सिर्फ स्टाइल ऑफ प्ले का होना चाहिए, बाकी तो कोई कंपेरिजन नहीं है। इट्स जस्ट यू कैन ओनली कंपेयर। मैं तो हमेशा कंपेरिजन लेवल तक करता हूँ कि भाई किस तरह से खेलते हैं दोनों, क्या सिमिलैरिटीज हैं आपस में खेलने की, किस तरह से उनका माइंड सेट है, हाउ दे अप्रोच देयर गेम, हाउ दे मतलब अप्रोच क्रिकेट, बस यहाँ तक तो ठीक है कंपेरिजन। उसके अलावा देयर इज नो कंपेरिजन, क्योंकि एक बंदा मतलब 10 साल से खेल रहा है, एक 12 साल से खेल रहा है, एक बंदे ने भी मतलब 5 साल भी पूरे नहीं किए, तो आई मीन देर वॉन्ट बी एनी कंपेरिजन। एंड द अचीवमेंट्स ऑफ कोहली आर फार फार ग्रेटर देन बाबर एट दिस स्टेज। अब ये है कि जी वो इस स्टेज पे जब बाबर ने जब कोहली ने 16 टेस्ट खेले थे तो उसने ये किया था, बाबर ने ये कर दिया, ऑल मतलब टू बी ऑल बुल। बात ये है दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन कोहली हैज प्रूवन हिमसेल्फ एज ए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर ऑलरेडी, ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। ठीक है, बाबर स्टिल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। बाबर इज नाउ नो डाउट ए एक्सेप्शनल टैलेंट, बट वी स्टिल हैव टू सी। अभी हमें देखना है कि वो न्यूजीलैंड में अगर टेस्ट मैचेस कोई एक टेस्ट भी खेलता है कैसे डील करेगा वो टेस्ट न्यूजीलैंड में। हमने देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके वो दो एक से ज्यादा 100 कर सकता है नहीं कर सकता। हमने देखना है कि साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में कितने वो मतलब रन कर सकते हैं। यू नो दीज थिंग्स अभी बाबर ने करना है, अभी ये चीजें कोहली अच्छी तरह कर चुका है यार। तो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरिजन ये जरूर है कि जिस तरह कोहली खेलता है कवर ड्राइव, तो उसी तरह बाबर भी कभी स्टाइल वैसे ही सिमिलर खेलने का, किस तरह दोनों अप्रोच करते हैं मतलब हैंडल करते हैं प्रेशर को, बॉलर्स को माइंडसेट कैसा है खेलने का क्रिकेट को, ये चीजों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट और इन टर्म्स ऑफ दिस स्टैंडिंग। ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, ये तो जो लोग करते हैं बेवकूफ लोग। यस सर। सर और अभी जो हमने देखा था कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा के जिस तरह से बीसीसीआई ने हैंडल की फिटनेस, क्योंकि पहले आईपीएल के दौरान ये बताया कि रोहित शर्मा फिट है और वो अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर उसके बाद ये आता है कि वो अभी फिट नहीं है और वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो उनका टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर रोहित शर्मा का उसी दिन वीडियो आता है और वो बताते हैं कि नहीं जी मैं तो फिट हूँ और मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद ईशांत शर्मा का इस साथ ये होता है कि जब वो एनसीए जाते हैं तो वहां पर उनको बॉलिंग लगातार करवाई जाती है, और फिर यहाँ से ये रिपोर्ट आती है कि ईशांत शर्मा पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और रोहित शर्मा से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं वो ऐसा फिटनेस के तौर पे, और उसके बाद फिर ये खबर आती है कि ईशांत शर्मा भी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे और रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट। तो ये सर जो पूरा सागा हुआ ये हुआ क्या, मतलब क्योंकि मुझे तो एज अ फैन मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती कि मतलब बीसीसीआई किस तरीके से हैंडल कर रहा है प्लेयर्स को, और हमारे दो मेन प्लेयर्स है आप ये भी ध्यान रखो, क्या पता ईशांत शर्मा अगर फर्स्ट टेस्ट मैच में होते तो कुछ सिनेरियो और कुछ होता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लास्ट सीरीज में अगर आप 2018 वाली देखो तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी वहां पे। तो ये जो बीसीसीआई ने जो हैंडल किया रोहित शर्मा ईशांत शर्मा का, इसके बारे में आपका क्या टेक है, क्योंकि रोहित और ईशांत तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई डोमेस्टिक मतलब ऐसी प्लेयर्स हैं, दोनों वेल स्टैब्लिश इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो क्या इनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, तो वही चीज मैं मुझे आपसे जानना। मैं तो आई मीन शुभम काफ़ी दफ़ा ही कह चुका हूँ कि टू मी देवर मिस हैंडल वेरी बैडली, और यही मुझे हैरत हुई कि इंडियन सेलेक्टर्स ने इनिशियली स्क्वाड अनाउंस किया था तो उन्होंने जिस तरह से मतलब रोहित को एक ही उसमें भीड़ में गिन लिया था, दैट केम एज अ सरप्राइज टू मी, इसलिए क्योंकि रोहित जैसा प्लेयर मतलब रोहित रोहित शर्मा यार आप उसको ऐसे तो नहीं मतलब डील कर सकते जैसे कि सारे के साथ कर रहे हो। दूसरा फिर ये था कि मतलब अब आई गिव एग्जांपल, अभी बाबर आजम इंजर्ड हुआ आप देख ले, क्योंकि वो टॉप प्लेयर है कप्तान है, आप देख लो हर दूसरे दिन उसका अपडेट आ रही है कि मतलब वो खेलेगा नहीं खेलेगा, फर्स्ट टेस्ट क्या है, उसने बैट ग्रिप पकड़ना शुरू की है, टेनिस बॉल से शुरू किया, तो बड़े प्लेयर का तो फिर इसी तरह डील किया जाता है चाहे किस कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो
जिस नॉन चैलेंज तरीके से सेलेक्टर्स ने रोहित का डील किया था, मुझे तो बड़ा हैरत हुई थी कि वो मतलब एक स्टेटमेंट की थी वो रोहित फिट नहीं, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया उसके लिए। अरे भाई, तो फिर वो बाद में आईपीएल में कैसे खेला वो, मतलब इट वाज टोटली मिस हैंडल टू मी, इट वाज टोटली मिस हैंडल। और व्हाट आई थिंक इज के उसकी वजह से थोड़ा काफी प्रॉब्लम्स आए।